अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कलर्स क्वीन का फेस ग्लो पाउडर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फेस पाउडर हैं, कॉम्पैक्ट वगैरह हैं, कुछ एक्सपेंसिव हैं, कुछ लो रेंज में भी हैं, लेकिन आज मैं कलर्स क्वीन का फेस ग्लो पाउडर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है, एंड जो इसका रिजल्ट है वो कैसा है वो मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियो का आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, ये है फेस ग्लो पाउडर कलर्स क्वीन परफेक्ट ऑयल कंट्रोल। ये आप देख सकते हो इस तरह की पैकेजिंग में है, एंड ये मिनरल बेस मतलब मिनरल बेस फॉर्मूले के साथ आता है, एंड ये ऑयली स्किन वालों के लिए है, एंड ये परफेक्ट ऑयल कंट्रोल फेस ग्लो पाउडर है। ये 24 आवर्स आपके फेस पर ग्लो करता है, वो भी आपके फेस ऑयल को कंट्रोल में रखकर, मींस आपके फेस स्किन को एक बैलेंस देकर, एक बैलेंस में रखकर। ये एक मल्टीपल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है जो कि स्किन को मोर डेलिकेट करता है, एंड ये आपकी स्किन को, इवन टोन स्किन को सिल्की स्मूथ ब्राइट एंड मतलब काफ़ी ब्राइट लुक देता है, एंड आपकी स्किन से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको तुरंत एब्जॉर्ब करता है, एंड आपके फेस को एक ग्रेसी लुक देता है। एंड ये SPF 28 के साथ आता है, इसलिए यूवी रे से भी आपकी स्किन, ये आपकी स्किन को एक न्यू नेचुरल लुक देता है, एंड आपकी स्किन को सिल्की एंड स्मूथ फील कराता है, एंड आपके फेस में व्हाइट इफेक्ट डालता है। ये आपके फेस पर बहुत अच्छे से परफेक्ट फिनिशिंग भी देता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। एंड सबसे अच्छी बात है, ये 2-in-1 टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इसमें विटामिन ई एंड विटामिन सी भी ऐड है, एंड ये आपके फेस को काफ़ी नरिश एंड मॉइस्चराइज भी करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस की, एंड इसका जो प्राइस है वो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जो इसका प्राइस है वो है 249। अमेजोन से आप इसको परचेज कर सकते हो, मैंने इसे मार्केट से परचेज़ किया है, मार्केट में ये मुझे 200 रुपीज़ का मिला है, और अमेजोन पे मैंने इसे देखा था तो ये वहाँ पर 249 का था। तो आपको जिसमें भी मतलब सुटेबल लगे परचेज़ करने में, जहाँ भी सही लगे, मतलब आपको मार्केट से परचेज़ करना, मार्केट से परचेज़ करो, ऑनलाइन आप परचेज़ करोगे तो ये आपको 249 का पड़ेगा। एंड ये SPF 28 के साथ आता है, मेरा जो शेड नंबर है फ्रेंड्स वो है 01, ये आप देख सकते हो। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है फ्रेंड्स वो भी काफ़ी अच्छी लगी, थोड़ी फ्रेश सी है, मुझे एक नई सी फ्रेशनेस सी लगी मतलब। एंड अमेजोन का जो लिंक है फ्रेंड्स वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया, आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और अब मैं इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ कि इस तरह से मतलब है, एक वाइट कलर का बॉक्स है, नीचे यहाँ पर गोल्डन कलर का भी दे रखा हुआ है थोड़ा सा, एंड मैं इसे खोल कर भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह के सिल्वर एंड क्रीम कलर के बॉक्स में आएगा, आप देख सकते हो, सॉरी। एंड ये इस तरह से है पूरा, जैसे कि कॉम्पैक्ट वगैरह होते हैं, मुझे इसका थोड़ा सा अच्छा लगा। एंड इसे इस तरह से आप पुश करोगे तो ये खुल जाएगा, एंड अंदर मिरर भी दे रखा है, ये आप देख सकते हो। और मिरर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हम मतलब काफ़ी सारी मेकअप करने में हमें हेल्प मिल जाती है। एंड ये आप देख सकते हो, ये मैट लुक दे रखा है, एंड ये ऑयली स्किन वालों के लिए है, ये मैट लुक थोड़ा दे रखा है, एंड आप इसको पुश करोगे, एंड मैं दिखा दे रही हूँ आपको। एंड ये सेकेंड दे रखा है, थोड़ा शिमर बेस पे है, आप देख रहे हो ना, ये काफ़ी शिमरी है, एंड काफ़ी क्रिस्टल लुक आएगा इसको फेस पर यूज़ करने पर। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, नाइट वगैरह की पार्टी हो या शादी वगैरह हो, कोई फंक्शन हो, तो आप अगर इसको नाइट में यूज़ करते हो तो आपका फेस भी काफ़ी ग्लो करेगा। एंड आपको डे में यूज़ करना है तो आप थोड़ा सा मैट पे यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं मतलब डे में। एंड नाइट के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इस शिमर बेस के लिए, कि अगर आपको अपने फेस का बेस अच्छा करना है और अच्छा दिखाना है, थोड़ा सा ग्लॉसी लुक चाहिए, तो उसके लिए ये बेटर है, ये आप देख सकते हो। एंड मैं थोड़ा सा अपने हैंड पर आपको लेके दिखा देती हूँ, ये इस तरह से है। एंड सेकेंड है, ये थोड़ा सा शिमर वाला है, ये आप देख सकते हो। तो दोनों ही मुझे सही लगे, काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला है मुझे इससे। एंड मतलब जितनी भी मतलब मैंने अभी तक कॉम्पैक्ट देखे हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी लगे और कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला मुझे इससे, लेकिन ये अफोर्डेबल रेंज में मुझे इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आई थिंक इसको आप लोग ज़रूर परचेज़ करिएगा, एंड यूज़ करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।